नमस्कार, मैं हूं यूसुफ अली। दोस्तों, आज हम जो एक खबर करने आए हैं, खबर अपने आप में काफ़ी अलग है। दरअसल मामला है गुनाह 498 कलम 498A का। अब 498A क्या होता है कि दहेज प्रताड़ना है। ये गुनाह दाखिल करे, कोई औरत ही गुनाह दाखिल करेगी और इसमें पक्ष जो होता है, पार्टी जो होती है, वो उसका ससुराल पक्ष होता है, क्योंकि दहेज की मांग ससुराल पक्ष ही करता है। अक्सर बार ऐसा देखा जाता है कि दहेज प्रताड़ना के जितने मामले सामने आते हैं, उसमें आरोपियों में उस औरत का पति भी आरोपी होता है। लेकिन यहाँ जो ये मामला है, ये मामला मैंने पहले ही बोला कि कुछ अलग है। यहाँ पे औरत का पति है वो आरोपी नहीं है, बल्कि वो खुद औरत के साथ खड़ा हुआ है और उसके परिवार से इस मामले पर, इस गुनाह के लिए लेके वो झगड़ रहा है। औरत के साथ जो भी ससुराल वाले हैं उनके ऊपर औरत ने केस डाला हुआ है। हम अभी उनसे सीधी बात करेंगे और आप देखेंगे उनकी बात। लेकिन ये अपने आप में, जैसे मैंने अभी पहले कहा कि अपने आप में ये अलग मामला है, जहाँ एक औरत के साथ में उसका पति पूरी तरह से साथ खड़ा है। और क्या मामला पूरा है, जानते हैं, बात करते हैं। आपका नाम? शाहिदा जुनैद खान। शाहिदा जी, क्या तकलीफ है? सर, तकलीफ तो मुझे ये है कि मेरे ससुराल वाले सिर्फ मेरे से पैसों की बहुत मांग करते। उनको अगर पैसे मिलेंगे तो वो लोग मुझे टॉर्चर नहीं करते, और पैसे नहीं मिलेंगे तो वो लोग मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। कितने साल हुए आपकी शादी को? 7 साल पूरे हो गए। 7 साल में कितनी बार हुआ था? 7 साल में सर बहुत बार हो चुका है, मैं गिनती में भी आपको नहीं बता सकती कितनी बार हुआ है। हर महीने तो, हर हफ्ते तो होता ही होता है पैसे के लिए कुछ ना कुछ। पैसे मिले तो चुप रहते, नहीं मिलेंगे तो मुझे फिर परेशान करने लग जाते वो लोग। आपने इतना समय कंप्लेंट नहीं किया? कंप्लेंट की सर, किया है कंप्लेंट, बहुत कंप्लेंट किए, पर वो लोग पता नहीं क्या इधर पे करते हैं पुलिस वाले से या किससे, पता नहीं, कुछ कार्रवाई नहीं होती। हम लोगों को ही बोल देते हैं, हाँ हम कर रहे, ये कर रहे, वो करके हमको ये कर देते हैं। आपके पति का क्या? मेरे पति तो अभी मेरे साथ में है। उनको खुद को पता चल गया कि मेरी माँ, मेरी बहनें और उनके हस्बैंड, मतलब कि वो लोग गलत कर रहे हैं, तो वो मेरे सपोर्ट में, मेरे साथ में है। मतलब किसी टाइम में आपके पति आपका साथ नहीं देते थे, लेकिन आज दे? हाँ, पहले नहीं देते थे, पहले वो उनकी बातों पे, उन्होंने ही मुझे परेशान किया। पर जब उनको पता चला कि हाँ वो लोग ऐसे कर रहे, वैसे कर रहे, उनको पैसों की बहुत मांग करने लगे, तो फिर उन्होंने फिर मेरा साथ देने लगे। उनको वो मना करते थे कि मत करो ऐसे वैसे, तो उनको भी उल्टा उल्टा बोलते थे। पैसों की मांग के अलावा और किस तरह से परेशान करते हैं? पैसों की मांग के अलावा जैसे कि मुझे खाने पीने में, पूरा घर उठ के मेरे घर पे आ जाता था। एक ननंद की शादी नहीं हुई थी, दो ननंद, उनके हस्बैंड, उनके बच्चे सब वहीं पे आते थे, सुबह से शाम तक वहीं रहते थे। खाना बना के खिलाओ, फिर उनको नाश्ता दो, सब करो, वहीं पे आके रहते थे। फिर मुझे मतलब पैसों के लेके, फिर बाद में कुछ जैसे दहेज में कुछ सामान को लेकर मुझे ऐसे टॉर्चर करते थे। और सबसे पहले तो मेरे शौहर के पापा का इंतकाल हुआ था, तो उसका भी मुझ पर ही इल्ज़ाम डालते हैं कि तेरी पैर की गोड़ी ख़राब है, तू पनौती है, तू ऐसी है, तेरी वजह से मेरे हस्बैंड का इंतकाल हो गया, मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया, तो वो भी मुझे टॉर्चर करते थे। पर मैं इग्नोर करती थी कि जाने दो, एक दिन सही हो जाएगा। पर कभी वो लोग सुधरे ही नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करने लग गए। हाँ, फिर मुझे जब सेकंड एक बेबी मेरे को जब दूसरी बेटी हुई, तो उसके ऊपर भी मुझे टॉर्चर करने लगे। फिर मेरे हस्बैंड को बोलते थे कि उसको छोड़ दे, फिर दूसरी शादी करा देंगे, उसको बेटी ही बेटी होगी, देखो बेटा नहीं देगी, उस पर भी उन्होंने करने लगे। तो लड़की है, दो ही बच्चे? हाँ, मेरे पास अभी, हाँ, दो ही बेटी है मुझे। आपकी मांग क्या? मेरी मांग यही है कि मुझे जो इतना परेशान कर रहे हैं, उनको भी उनकी सज़ा मिलनी चाहिए। मुझे आज तक वो लोग बहुत परेशान कर रहे, अभी भी मुझे वो लोग परेशान करते। अभी लास्ट टाइम वो लोग ने, मेरी सास के पास घर की चाबी है, वो आते हैं मेरे पीछे से और घर का गैस का नॉक चालू करके चले जाते हैं, ताकि मैं मर जाऊँ, मेरे बच्चे सब, ऐसे कुछ हादसा हो जाए। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे इतनी मुसीबत में को बहुत हो रही है। मुझे बस, मेरे को इंसाफ चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई भी औरत के साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए। खान जुनैद। जुनैद जी, ये जो आपका जो मैटर है, इसमें आपकी जो पत्नी है, उन्होंने आपके परिवार वालों के ऊपर जो मामला दर्ज करवाया है 498, हाँ, इसमें आपका क्या कहना है? ये आपकी पत्नी गलत है कि आपके परिवार वाले गलत है, कौन गलत है? यही गलती भाई मेरे से भी हुई थी। शुरुआत में मेरे को लगता था कि मेरी औरत गलत है, लेकिन जब जैसे जैसे शादी के 6 महीने, साल भर बीते, उसके बाद मुझे पता चला कि मेरे घर वाले मेरे पीछे इसको टॉर्चर करना, परेशान करना, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ये नहीं किया करके बहुत परेशान करते थे। तो उसकी वजह से मैंने मेरी वाइफ को लेकर अलग भी रहा,
लेकिन अलग रहने के बावजूद ये लोग फिर मुझे बुला के वापस साथ में लेके आए। अब साथ में लाने के बाद फिर से वापस से वही सब नाटक कर रहे लोग। कभी उसको बच्चों के ऊपर ताना मारते, कभी अब्बा के इंतकाल के ऊपर ताना मारते, जब घर में कोई नहीं रहेगा तो बाटला खोल के चले जाते हैं। बाटला यानी मतलब गैस का सिलेंडर? गैस का सिलेंडर, दोनों गैस चालू करके बर्नर लॉक करके चले जाएंगे उन लोग। उनके पास अलग चाबी है? मम्मी के पास चाबी है। अच्छा, जो मामला आपने पुलिस में दर्ज करवाया उसके बारे में क्या? केस के जो हमारे विरार पुलिस स्टेशन में जो हमारा केस हुआ था ये दर्ज, वहाँ पे शुरुआत में तो बहुत सारे हमको आश्वासन दिए गए तुम्हारा रिकवरी होगा, तुम्हारा ये होगा, उनको सज़ा मिलेगी, सब कुछ। लेकिन जैसे जैसे 15 दिन 20 दिन बीता उसके बाद से अब इसमें इतनी ढिलाई हो रही है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है केस में हो क्या रहा है, क्योंकि वो ना कार्रवाई करने आ रहे हैं ना कुछ करने आ रहे हैं। उन एंटीसेप्टिक बेल मिल गई उसके बावजूद भी उन लोग मुझ पर अटैक कर रहे हैं कि तू अपनी औरत का साइड क्यों ले रहा है, तू अपनी औरत को समझा, केस वापस ले। उसका मेरे ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है। ये 4 दिन पहले की बात है, नाला सुपारा में ही हुआ था और इसकी शिकायत मैंने नाला सुपारा वेस्ट पुलिस स्टेशन में दर्ज की है। नाला सुपारा वेस्ट पुलिस स्टेशन में इसका मैंने दर्ज करवाया हूँ। और इसमें खुर्शीद सिद्दीकी जो मेरा जीजा लगता है वो आया था मुझे धमकी देने के लिए। पुलिस स्टेशन का इसमें क्या रोल है? जैसे कि मैंने बताया आपको, नाला सुपारा के में मैंने NC दर्ज कराई, यहाँ पे मुझे सपोर्ट मिला, PI साहब ने खुद मुझसे बात की और उन्होंने कार्रवाई भी की उसके ऊपर। लेकिन जो मेरा बड़ा मामला है 498 का, जो मेरी औरत का केस FIR पुलिस विरार पुलिस स्टेशन में, वहाँ से मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला, वहाँ कोई अच्छी से कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या मांग है? मैं यही चाहता हूँ कि वो जो मेरा बड़ा केस है वहाँ पर अच्छे से कार्रवाई हो और अच्छे से इस पर उनको गलती की उनको गुनाह की सज़ा मिले। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद फखरुल रहमान इसराइल मंसूरी है। मंसूरी जी, आपकी क्या समस्या है? समस्या मेरी ये है कि मेरी लड़की की शादी हो गई, करीब 6 से 7 साल होने आ गया है, और जिसके लिए मुझे बार बार ससुराल वालों, मेरे लड़की के ससुराल वालों की तरफ से बहुत ही सताया गया। और जिसका मेन जो कारण ये है कि खुर्शीद और मेहताब खान और नाजिया मेहताब खान और आयशा जो है, ये लोगों ने बहुत, मतलब उसकी नंद और नंद ही है, ये लोगों ने बहुत ही ये किया, हर चीज़ को लेकर बहुत परेशान किया है। और जिनके मतलब आज तक मैं बर्दाश्त करते हुए आया, लेकिन मैंने जो है पुलिस स्टेशन में 1-2 बार कंप्लेन किया, उसका कुछ रिस्पांस नहीं मिलने की वजह से मैंने काशीमीरा CP साहब को जो है संज्ञान में मतलब लेटर दिया। उसके बाद में वहाँ से आदेश होने के बाद बिहार पुलिस स्टेशन में FIR तो हो गई, लेकिन उसकी कोई जांच या कुछ ये जो है मतलब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। जब भी आओ बस हम ये कर रहे हैं। किस कलम के अंतर्गत गुनाह दाखिल है? 498A 506। हाँ, दहेज प्रताड़ना। आप जो बता रहे हो, जो आपकी बेटी है जी, उनके पति, आपके दामाद का क्या रोल है? दामाद का रोल उनका आज जो है मतलब वो हमारे साथ में है, और उनको सही अगर जो कुछ भी है मतलब अगर उनको सही लगा है तभी आज वो हमारे साथ में है, और हमारे साथ में मतलब हमारे साथ में जो चल रहे हैं हर जगह, और हर जगह मतलब स्टेटमेंट है उनका। और जबकि उनके बहनों जो खुर्शीद रियाजुद्दीन सिद्दीकी, ये FIR होने के बावजूद उन्होंने फिर से जो है आज 4 दिन पहले जो है मारामारी की और ये किया, जबकि इन लोगों के ऊपर मतलब 2 से 3 FIR हो चुकी है, लेकिन आरोपी को उस चीज़ का कुछ जो है ना तो डर है और ना ही ये है, क्योंकि वो उनका कहना है कि मैं पुलिस प्रशासन से मेरा कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो जो है मैं उनको जेल में रखता हूँ, और कुछ पार्टी के लोगों का समर्थन होने के बावजूद जो है मतलब वो इस तरीके से जो है काम कर रहे हैं। आपकी मांग क्या है? मेरी मांग यही है कि जो मतलब जिसके पास भी मेरा केस इंचार्ज है, मैं उनके पास कभी भी जाता हूँ तो मुझे उस चीज़ की जो है मतलब क्या केस में डिटेल है, क्या होगा क्या नहीं होने वाला है, वो सब कुछ बताने को तैयार नहीं है। वो सिर्फ इतना बोलते हैं हम कर रहे हैं, जबकि अभी NC हुई है 4 दिन पहले आरोपी के खिलाफ। उसके बाद जो नाला सुपारा PI साहब ने उनको कम से कम 3 से 4 बार फोन कर चुके हैं, और आज इस बात को 8 दिन होने आ गया है, उनको यहाँ बुलाया जा रहा है, कुछ पेपर उनको चाहिए, वो पेपर देने के लिए जो PI साहब यहाँ बुला रहे हैं, खुद सामने से फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन वो हम आते हैं मतलब ऐसा करके जो केस को डिले कर रहे हैं कि मतलब किसी भी तरीके से केस कमज़ोर हो जाए और
मतलब हम ऐसे धक्के खा खा के, जहाँ पे हर जगह यही होता है कि लड़की को इंसाफ मिलता नहीं और केस लास्ट में यही होता है कि केस जो झूठा रहता है ये रहता है, ताकि और मैं प्रशासन से यही मांग करता हूँ कि अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं तो जो मेरा केस है और जो आरोपी है उनके ऊपर उनके खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए। लेकिन कार्रवाई तो हुई, लेकिन उसका जो फॉलो चाहिए वो आज तक नहीं हो रहा है, क्योंकि केस इंचार्ज उस चीज़ में जो है मतलब लेट कर रहे हैं और वो साथ नहीं दे रहे हैं। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।